पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कराए जा रहे हैं। मुरादाबाद में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 3000 से अधिक विद्यार्थियों के साथ अधिकारी व कर्मचारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क पर सदैव यातायात नियमों का पालन करेंगे तथा सुरक्षित यात्रा हेतु सदैव दो पहिया वाहन चलाते समय स्वयं और पीछे बैठे व्यक्ति को DIS मानक वाले हेलमेट अवश्य पहनाएंगे पहनेंगे। चार पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट लगाएंगे। लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करेंगे। तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाएंगे। गलत दिशा में वाहन नहीं चलाएंगे। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन नहीं चलाएंगे। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स स्थित पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव के साथ परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग एवं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने सभी विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा माह प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पर चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि युवाओं को ये संदेश दिया जाए कि वे यातायात नियमों का पालन करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, साथ ही चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ सकती है जब हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। ऐसी कई बातें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन के माध्यम से सभी को देने का काम किया। चार पहिया वाहन में यदि हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जब एक्सीडेंट होता है तो जो उस मोमेंटम के साथ में हमारी जो बॉडी है वो गाड़ी के अन्य पुर्जों से टकराती नहीं है, अगर हमने सीट बेल्ट लगा रखा है तो। अन्यथा जो सामने वाली सीट पर जो बैठा हुआ है उसके सामने जैसे एयर बैग खुलते हैं तो एयर बैग का प्रेशर और खुद का बॉडी का जो मोमेंटम होता है सामने की तरफ, वो दोनों का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से ही जान चली जाती है। उसी तरीके से जो लेन ड्राइविंग के नियम है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आजकल जो डिवाइडर वाले हाईवे हैं सब जगह, मोस्टली जो हाईवे है हमारे वो बीच में एक उनमें डिवाइडर होता है और हम एक लेन में चलते हैं और एक में आते हैं और एक में जाते हैं। जो हमारी लेफ्ट लेन होती है उसमें हम लोग जाते हैं और जो राइट साइड में जो होती है उससे वाहन आते हैं, लेकिन हम लोग इंडिकेटर का उपयोग नहीं करते हैं और कभी दाएं कभी बाएं उसी पे घुमा लेते हैं और आगे पीछे चलते हुए भी हमारा एक्सीडेंट होने का जो सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन नहीं करना, बिना इंडिकेटर दिए एक लेन से दूसरी लेन पे चले जाना। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि गलत दिशा से जो वाहन आते हैं तो सामने आप 100 की स्पीड से जा रहे हैं और अचानक से कोई व्यक्ति गलत लेन में आ गया तो फिर दुर्घटना की संभावना रहती है। तो ये जो आपको ये एक एक जो शपथ जो दिलाई गई है इसका बड़ा महत्व है और आप सबसे मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस शपथ का जीवन भर अनुपालन करेंगे और स्वयं भी अनुपालन करेंगे और अपने परिजनों से और सबसे अनुपालन कराएंगे। लास्ट में मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की जान जाती है और अगर वो घर का कमाने वाला व्यक्ति है तो आप ये समझ लीजिए कि वो केवल अकेला व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, तीन पीढ़ियों का मतलब तीन जनरेशंस का नुकसान होता है। पहला वो जो व्यक्ति मर गया एक्सीडेंट में, दूसरा वो है जो उसको जिसके लिए वो काम करता था, जो अपने बच्चों को पढ़ाता था, और तीसरा वो है जो उसका बच्चा और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट जो लोग थे उनका पूरा का पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। यहाँ इस जनपद में भी इसी तरीके से रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें और जो आए दिन जो दुर्घटनाओं में जो जान जा रही है उसको हम रोकें। तो आज मेरा सभी आप सबसे यही अनुरोध है
कि यहाँ से कुछ लेके जाएं और अपने जीवन में प्रण करें कि हम जब भी गाड़ी चलाएंगे तो दुपहिया वाहन है उसको चलाते समय हेलमेट जरूर से जरूर लगाएंगे, और फोर व्हीलर अगर हम चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट जरूर से जरूर लगाएंगे, और जब भी हम गाड़ी को दाएं बाएं टर्न करेंगे तो इंडिकेटर का यूज करेंगे, और कहीं पे भी नो पार्किंग एरिया में गाड़ी को नहीं खड़ा करेंगे, और गाड़ी को जब गेट खोलेंगे तो कम से कम देखेंगे कि आगे पीछे कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। इस चीज को सभी लोग ध्यान रखेंगे। मुरादाबाद की पुलिस लाइन से सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाई गई जो शहर के जिगर मंच तक आयोजित कराई गई। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद शहर के 15 स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी को संदेश देने का काम किया गया। मानव श्रृंखला के माध्यम से सभी विद्यार्थी हाथों में पोस्टर बैनर और जागरूकता के नारे लगाते हुए चल रहे थे। सभी का ये कहना था कि सभी लोग वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करेंगे। कार्यक्रम में भारी संख्या में विद्यार्थियों की संख्या को देखकर शहर में सभी लोगों का ये कहना था कि हम सब मिलजुल कर यातायात नियमों का पालन करने के लिए कार्य करेंगे।